अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 20,000 की बजट बिल्ड। तो इसके अंदर हम एक गेमिंग पीसी बाय करने जा रहे हैं, एक हम प्रीबिल्ड पीसी बाय करेंगे और उसके साथ हम ग्राफिक कार्ड अलग से लेंगे। तो सबसे पहले आपसे वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दिया जा रहा है कि सारे पार्ट्स यूज़ करूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में जो बिल्ड चाहिए वो मुझे बता दें, मैं सर्च करके आपको दोबारा से बता दूँगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हम कंप्यूटर बाइक लेंगे वो हम एक प्री बिल्ट पीसी लेंगे। हम शॉप पे अपने शॉपकीपर के पास जाना है और उसे कहना है कि मुझे कोर i5 760 दे दें और साथ 8 GB रैम और 500 और हार्डवेयर अपनी मर्ज़ी से रखवा लें, लेकिन 500 GB से ज़्यादा ना रखवाइएगा। साथ एक आपको एक नॉर्मल केसिंग और एक नॉर्मल 300 वाट या 350 वाट की सप्लाई मिलेगी। कोशिश कीजिएगा कि आपको 350 वाट की सप्लाई मिले। तो ये पीसी आपको 9-10 हज़ार का पड़ जाएगा। तो आपने ये एक प्री बिल्ट पीसी ले लेना और साथ ग्राफिक कार्ड के तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ। तो दोस्तों एक बात, जब कंप्यूटर लेना है तो एक बात याद रखना है, टावर में लेना है, और दूसरी बात एक और बात आपने उसे कहनी है कि मुझे कोर i5 760 चाहिए, 4 कोर 4 थ्रेड्स वाला, क्योंकि दुकानदार ने आपको, शॉपकीपर ने आपको 2 कोर्स वाला दे देना, 2 कोर्स 4 थ्रेड्स वाला कोर i5 650 दे देना। वो गेमिंग के लिए नहीं, वो तो हमारा कोर टू क्वाड उससे ज़्यादा अच्छा है उस 2 कोर्स वाले से। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो ले लें, कोर i5 760 ले उठा लें। साथ पीसी जो मैंने आपको बताया 8 GB और हार्ड ड्राइव आप 320 GB कर लें, 1000 रुपये की आ जाएगी। नॉर्मल केसिंग और 350 वाट सप्लाई। तो ये पीसी आपको पड़ जाएगा तकरीबन 10,000 का। तो 10,000 ये हमारे पास 10,000 बाकी रह गया, तो ये 10,000 हम अपने ग्राफिक कार्ड पे लगाएंगे। तो इस ग्राफिक कार्ड के अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड लेने जा रहे हैं वो है RX 560। दोस्तों मैं आपको RX 560 इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मोर VRAM। इसके अंदर आपको 4 GB VRAM मिल जाएगी, आपने 550 बाय नहीं करना। अगर आपको 460 मिले तो वो बेटर है। और इसके अंदर अगर आप NVIDIA की साइट पर जाना चाहे तो उसके अंदर से आपको GTX 950 या 1050 जो मर्ज़ी मिले 2 GB वाला उठा लीजिएगा, क्योंकि NVIDIA के मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो पावर ज़्यादा हंग्री नहीं है और वो चलते भी अच्छे हैं, उनकी मतलब उनके कुछ स्पेक्स अच्छे हैं, दोनों बराबरी के ही हैं। जो आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 950 की मार्केट प्राइस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ग्राफिक कार्ड आप लोकल इंटरनेट से बाय करें, जैसे कि OLX पे आप प्राइस कम वगैरह करवा के ले सकते हैं, और शॉपकीपर जितना ज़्यादा बहुत मार्जिन रखते हैं वो आपको कम ना करके नहीं करके देंगे। तो आपने सीधा सीधा RX 560 या GTX 950 1050, कोशिश कीजिएगा 1050 मिले, इन तीनों में से कोई एक कार्ड उठा लेना। तो साथ ही हमारे पास फिर ये कार्ड तीनों आपको 10,000 या 11-12 हज़ार तक पड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 का ये ग्राफिक कार्ड है। मुल्तान में ये ग्राफिक कार्ड RX 560 11,000 का मिल रहा है, तो आप 11,000 से ज़्यादा ना दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पीसी। तो साथ आपने कोशिश करनी है दोस्तों के इसके के एक टावर में पीसी लें, और उससे पूछिएगा, उसे कहिएगा कि एक ऐसा पीसी दें जिसके अंदर वो सप्लाई अपग्रेडेबल हो, क्योंकि इस तरह सप्लाई अपग्रेडेबल होगी तो ही कम से कम चलेगा, बाद में हम अपग्रेड करके चला सकते हैं। तो दोस्तों ये इस पीसी पे आप अपनी आराम से गेम्स अच्छी तरह से गेम्स चला सकेंगे। इसके अंदर आराम से न्यू AAA टाइटल्स जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2, इस तरह की जितने भी हैं, GTA 5 का जो है नया मॉड अल्ट्रा ग्राफिक्स वाला, सारी गेम्स रन होगी। मीडियम टू हाई सेटिंग्स सारी गेम्स चल जाएंगी, यहाँ तक के रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी मीडियम सेटिंग्स 1080p पे मेरे चल जाए। अगर आप NVIDIA का ले रहे हैं तो फिर 720p मीडियम, और अगर आप AMD का ले रहे हैं तो 1080p, तो आप 1080p मीडियम पे और 720p मीडियम पे और ज़्यादा FPS मतलब 45-50 FPS पे आराम से खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की हमारी बिल्ड। तो दोस्तों अगर आपको किसी और बिल्ड की ज़रूरत है तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको वो भी सजेस्ट कर दूँगा। और अगर आपने किसी फेवर लेनी है, मतलब कि ये पीसी लेना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो के अंदर मैं 50,000 की बिल्ड करने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर आप
मेरी वीडियो को देखते रहिए। और अब आगे मैं बेंचमार्क्स लगा दूंगा थोड़े बहुत, RX 560 के साथ बेंचमार्क लगा दूंगा, और थोड़े से बेंचमार्क 950 के भी लगा दूंगा। ठीक हो गया दोस्तों, मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।